आप जैसा कि बोले कि ये कोई स्टार पे नहीं है, ये जनरल जो सुसाइड्स होते हैं उसके है, लेकिन फिर भी आप देखा है कि सुशांत के केस में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गया है और आप बॉलीवुड से इतने सालों से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्री में? हाँ देखिए जी, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे द वेरी फैक्ट जो न्यू कमर्स, अब आप बताइए, एक आयुष्मान खुराना सुपरस्टार है, राजकुमार राव सुपरस्टार है, कंगना रनौत बनी है, अगर आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो बना है, शाहरुख खान साहब बाहर से आए थे, तो इवन धर्मेंद्र भी जब आए थे पहले, धर्मेंद्र जी, शत्रु सर, अमिताभ बच्चन सर, विनोद खन्ना जी, दत्त साहब, तो वो जब आए थे नए थे। आपको इंडस्ट्री में यह है कि अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आपको मौका मिलेगा, पर आप में वो टैलेंट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा, पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो ये तो बात नहीं है, मौका हर एक को मिलता है, और मौके का फायदा उठा के उस पर रियाज करके, मेहनत करके, जिसमें फन होगा वो ही आगे बढ़ेगा, ये मेरा अटूट मानना है। ये पहली बात है, ये मैं इस पर बिल्कुल नहीं मानता। वो लड़का अपने दम पे बना है बच्चा, उसकी जो आप उसकी काय पोचे देखिए, आप उसकी केदारनाथ देखिए, उसने आप उसकी धोनी देखिए, क्या क्या बच्चे ने काम किया, इतना टैलेंटेड, उसके वर्कआउट की वीडियोस देखिए। बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है, ये बात सब जुड़े से, इसका सत्य जो है जनता के सामने आना चाहिए और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आ जाएगा।